नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकी स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म फाइनल सबमिट प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, जितने भी बीसी और ईबीसी कास्ट के छात्र छात्राएं पूरे बिहार से बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं और उसका जो है पूरी तरह से फॉर्म का जो वेरिफिकेशन हो चुका है और उसको यूजर आईडी पासवर्ड आ गया है और वे जो है अब किस प्रकार से यहाँ पर जो है अपना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और यहाँ पर जो है किस प्रकार से फॉर्म को फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट निकालेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट आवेदन किए हैं अभी वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद फिर आपको यूजर आईडी पासवर्ड भेजा जाता है, तब आप उसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके फिर जो है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करते हैं, फिर आप जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, फिर लास्ट चरण में फॉर्म को जो है फाइनल सबमिट करते हैं और बाद में जो है प्रिंट आउट निकालते हैं, यानी कि इतना चरण में आपका जो है यहाँ पर फॉर्म का जो है पूरी प्रक्रिया समाप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं फाइनल सबमिट से लेकर के प्रिंट तक, तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन करें। हर एक अपडेट वहां पर सबसे पहले आप सभी को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आना है गूगल क्रोम में और वहां पर आने के बाद आपको इस प्रकार से आना है और यहाँ पर आने के बाद इस प्रकार से लिखेंगे www. इस प्रकार से लिखेंगे rockstareducation लिखना है, .in लगाना है। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर लगाना है rockstareducation.in लगा करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे तो अब आपकी स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से वेबसाइट जो है ओपन हो जाता है। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यानी कि नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको स्कॉलरशिप का सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का एक सेक्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जा रहा है। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में बीसी ऑनलाइन आवेदन शुरू है, सैकड़े ऑनलाइन। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए हमने हर एक जानकारी आप सभी को दिए हुए, कैसे आवेदन करना है और सभी चीज़ का लिंक हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, किसको कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी ये भी मैंने इसमें बता दिया, आप आकर के जरूर यहाँ पर जो है देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपको जो पता नहीं कि मेरा फॉर्म का वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ तो उसको भी बताते चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है चेक वेरीफाई एप्लीकेशन स्टेटस, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको पड़ेगा आधार नंबर का जरूरी, फिल्टर बाय का ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करना है, आधार नंबर को सिलेक्ट करना है। इस बॉक्स में आपको आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है, साइड में जो देख रहे हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, उसके बाद ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इस कैप्चा कोड उस बॉक्स में डालना है, सर्च वाले बटन पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ कंप्लीट आपको देखने को मिल जाएगा, हमने अगले वीडियो में बताए हुए हैं, नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आप जो फॉर्म को किस प्रकार से फाइनल सबमिट करेंगे पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद। तो यहाँ पर देखिए एक और बटन मिल जाता है लॉग इन, इस प्रकार से अप्लीकेशन फॉर BC EBC स्टूडेंट, तो सिंपली आपको इसी लिंक पर यहाँ से क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो अब आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट का फॉर्म का वेरिफिकेशन हो जाएगा उसको एक यूजर आईडी पासवर्ड कुछ इस प्रकार से मैसेज के तौर पे आएगा, तो यहाँ पर यूजर आईडी डालना है, इधर को पासवर्ड फिलअप करेंगे और ये जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इस कैप्चा कोड उस बॉक्स में डालना है, सामने आपको लॉगिन का एक बटन मिल जाएगा, लॉगिन पर सिंपली आपको क्लिक करना है। चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे तो अब आपकी स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप जो है स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर अपडेट पर्सनल डिटेल्स, जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे तभी पर्सनल डिटेल्स देते हैं, अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पर मिल जाता है देखने को तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से जो है चेक कर पाएंगे। बैंक डिटेल्स पर क्लिक करके आप बैंक डिटेल्स को यहाँ पर जो है सही तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट डिटेल्स में जो भी आपने इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिए हैं उसको भी चेक कर लीजिएगा।
अब अगला यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में जाने से पहले यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर देखने को मिलता है स्कॉलरशिप अप्लीकेशन स्टेटस एंड एक्शन। उससे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर एक और बटन मिल जाता है आपको अपलोड इमेज का, सिंपली आप अपलोड इमेज पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से एक अपना फोटो पासपोर्ट साइज का इसमें अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसमें, इसमें देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो है हमने किए हैं। तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक जैसे करेंगे तो अब आपकी स्क्रीन में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है सारा डिटेल्स में जैसे कि यहाँ पर डन देखने को मिला, फोटो भी डन आपने अपलोड कर लिए, डॉक्यूमेंट भी डन, फाइनलाइज में पेंडिंग देखने को मिलेगा। तो जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करेंगे तो पेंडिंग, हालांकि इस स्टूडेंट का मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दिया हूँ, तो इसको भी देख लीजिएगा अकाउंट स्टेटस एक्सेप्टेड है या नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बटन मिलता है, सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का बटन पर क्लिक करके आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का सारा डिटेल्स आपने फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक और बटन देखने को मिलता है आपको इस प्रकार से, यहाँ पर देखेंगे देखने को मिलता है अपलोड इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो अब आपके स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर हमने सारा डिटेल्स आपको बता देते हैं, यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2022-23 रहेगा। सिंपली आपको यहाँ पर जो है टेंथ का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, टेंथ का सर्टिफिकेट का नंबर, उसके बाद यहाँ पर इशू डेट कब आपने पास आउट हुए उसको डालिएगा, लास्ट यहाँ पर मार्क्स एग्जाम पासिंग, जैसे कि अगर आप जो है अभी इंटर में एडमिशन लिए हैं तो मैट्रिक का दीजिएगा, बीए में एडमिशन लिए हैं तो इंटर का दीजिएगा, पीजी में एडमिशन लिए हैं तो पार्ट थर्ड का बीए का दीजिएगा। इसी प्रकार से लास्ट यहाँ पर जो है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसी प्रकार उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालिएगा, उसके बाद कब आपका जो है इशू हुआ है सर्टिफिकेट, डेट लिखा हुआ रहता है नीचे की ओर या ऊपर में कहीं भी लिखा हुआ रहेगा, उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, इसको आप डाल दीजिएगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बारे में हमने बताए हुए हैं बहुत पहले ही, आपने नहीं डाउनलोड किए तो हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा फॉर्मेट, आप इसके लिए हमारे वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलता है डाउनलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करके इसमें प्रिंसिपल से मुहर और सिग्नेचर करवा के लेके आ जाइएगा, सारा डिटेल्स में भरवा लीजिएगा इसको, उसके बाद इसमें ला करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जब आप एडमिशन लिए होंगे तो आपको एक फी रिसिप्ट मिला होगा कॉलेज की तरफ से, कितना रुपया आपका कटा उसको यहाँ पर लीजिएगा, किस डेट में आपका जो है यहाँ पर यानी कि सर्टिफिकेट नंबर जो भी है डेट वगैरह सब आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, कब आपका यानी कि बोनाफाइड बना है, कब फीस रसीद आपको काट के दिया है। यहाँ पर कोई जो है गवर्नमेंट का जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी है आपका उसको यहाँ पर कोई एक डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे, उसके बाद अपलोड करने के बाद गो टू होम बटन पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद जो है यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट स्टेटस में, ये भी आपका डन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट यहाँ पर ऑप्शन जो बचता है फाइनलाइज का, तो सिंपली आपको क्या करना है, इस फाइनलाइज का एक बटन मिलता है यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर फाइनलाइज एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे आपको यस यस का ऑप्शन मिलेगा आपको 12 जगह, आपको सब में यस कर लेना है, ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा अपने अनुसार से, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिएगा, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट आपको पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन में जो है आपका यानी कि जो भी है आपका सारा डिटेल्स में आ जाएगा, ये प्रिंट होकर के आपका निकल जाएगा, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब दिए होंगे, वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, ये सारा पेंडिंग आपको इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा, सारा डिटेल्स में जानकारी जो भी दिए रहेंगे इस प्रकार से प्रिंट करके आप यहाँ से जो है प्रिंट का बटन पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट आउट करके इसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म को जो है आप घर बैठे फाइनल सबमिट करके आप निकाल सकते हैं। आई होप कि मैंने जो भी जानकारी दी है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, और फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत है टेलीग्राम में आकर के कमेंट्स कर सकते हैं, और जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही।